हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स में। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए झज्जर, बी पलवल, सी रोहतक या डी गुरुग्राम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए ओड़ा, बी तित्रम, सी देवराला या डी ये सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ये सभी। अर्थात हरियाणा में जो नवोदय विद्यालय है वो ओड़ा, तित्रम और देवराला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए महात्मा हरिदास, बी नरोत्तम दास, सी बनारस दास या डी वीरभान। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी नरोत्तम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? ऑप्शन ए 18 अगस्त 1930 को, बी 28 दिसंबर 1930 को, सी 10 दिसंबर 1936 को या डी 30 जनवरी 1935 को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 28 दिसंबर 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन ए 5 जनवरी 1919 को, बी 8 अप्रैल 1919 को, सी 8 मई 1920 को या डी 17 अप्रैल 1921 को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी जींद, डी पानीपत। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होकर मारा गया था? ऑप्शन ए 1526 में, बी 1527 में, सी 1530 में या डी 1533 में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के समीप वह कौन सा स्थान है जहां पर सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए कालाम्ब, बी बापोली, सी इसराना या डी समालखा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए कालाअम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए हिसार में, बी अंबाला में, सी पानीपत में या डी रोहतक में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए होडल में, बी फरीदाबाद में, सी पलवल में या डी बल्लभगढ़ में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद जिले में किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी एक सराय स्थित है? ऑप्शन ए जौनपुर में, बी बल्लभगढ़ में, सी हथीन में या डी गांव सराय ख्वाजा में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी गांव सराय ख्वाजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गौकर्ण नामक तालाब किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रेवाड़ी जिले में, बी रोहतक जिले में, सी सोनीपत जिले में या डी झज्जर जिले में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रोहतक जिले में। जो गौकर्ण तालाब है वो रोहतक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत में, बी फरीदाबाद में, सी कुरुक्षेत्र में या डी रोहतक में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र में, अर्थात श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़ में, बी बल्लभगढ़ में, सी यमुनानगर में या डी रोहतक में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बल्लभगढ़ में, अर्थात राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जींद नगर को जीतकर गजबत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कब करवाया गया था? ऑप्शन ए सन 1725 में, बी सन 1775 में, सी सन 1778 में, डी सन 1995 में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सन 1775 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जिला पानीपत में, बी जिला रेवाड़ी में, सी जिला सोनीपत में, डी जिला सिरसा में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी जिला सोनीपत में, अर्थात गोहाना नामक जो ऐतिहासिक कस्बा है वो हरियाणा जिले के सोनीपत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2016 में हरियाणा का जिला बना? अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है 2016 में बना? ऑप्शन ए तोसाम, बी लोहारू, सी चरखी दादरी या डी भादड़ा। तो ऑप्शन सी चरखी दादरी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक ऐतिहासिक कस्बे का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए चरखाबाद, बी बेतवाबाद, सी सराफाबाद या डी हसीनपुर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सराफाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिबद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जिला भिवानी में, ऑप्शन बी जिला सिरसा में, ऑप्शन सी जिला यमुनानगर में या डी जिला रेवाड़ी में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी जिला यमुनानगर में। जो आदिबद्री नामक पौराणिक स्थान है वो जिला यमुनानगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारतकालीन प्राचीन गांव अमीन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जिला रोहतक में, बी जिला सिरसा में, सी जिला जींद में या डी जिला करनाल में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी जिला करनाल में, अर्थात जो अमीन गांव है ये अब जिला करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जिला कुरुक्षेत्र में, बी जिला करनाल में, सी जिला यमुनानगर में या डी जिला रोहतक में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी जिला रोहतक में, अर्थात जो बेरी नामक कस्बा है वो हरियाणा के रोहतक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारतकालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए सढ़ौरा में, बी रिदौर में, सी जगाधरी में या डी बुढ़िया में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी बुढ़िया में। जो पातालेश्वर महादेव का मंदिर है वो बुढ़िया में स्थित है। अगर ऑप्शन में बुढ़िया ना दिया गया हो तो आप जगाधरी पर राइट आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? ऑप्शन ए फरीदाबाद जिले में, बी झज्जर जिले में, सी रोहतक जिले में, डी जींद जिले में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी जींद जिले में। अर्थात जो रामसराय और भूतेश्वर के जो प्रसिद्ध मेले हैं वो जींद जिले में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन ए आदिबद्री, बी पंचमुखी मेला, सी कपाल मोचन का मेला या डी मेला काली माई का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी कपाल मोचन का मेला। तो जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपाल मोचन का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला भिवानी में किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? ऑप्शन ए रिवास में, बी नौरंगाबाद में, सी तोसाम में या डी खरक कला में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी नौरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन ए शिव का मेला, बी शाह चोखा खोरी मेला, सी नाग पूजा मेला या डी बाबा मस्तनाथ का मेला। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी शाह चोखा खोरी का मेला। अर्थात जो जिला गुरुग्राम है उसके खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में जो शाह चोखा खोरी मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में मंगलमय पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन ए सावन के महीने पर, बी फागुन के महीने पर, सी विवाह के अवसर पर या डी पुत्र जन्म के अवसर पर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी पुत्र जन्म के अवसर पर। अर्थात हरियाणा प्रदेश में जो पीलिया लोकगीत है वो पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? ऑप्शन ए सावन महीने में, पर्व त्यौहार के अवसर पर, सी पुत्र जन्म के समय पर या डी उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। अर्थात सावन के महीने में, पर्व त्यौहार के अवसर पर और पुत्र जन्म के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में बांगड़ क्षेत्र में होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन ए घोड़ा नृत्य, बी डमरू नृत्य, सी मंजीरा नृत्य या डी लोर नृत्य। तो ऑप्शन डी लोर नृत्य हमारा सही आंसर है। अर्थात हरियाणा प्रदेश में बांगड़ क्षेत्र में होली के मौसम में लोर नृत्य किया जाता है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए तीज नृत्य, बी फाग नृत्य, सी खोड़े नृत्य या डी लोर नृत्य। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी फाग नृत्य। तो दोस्तों ये थे हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें
और बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।